अरे भैया प्रधानमंत्री शर्मिंदा होने के लिए नहीं बनाया, तो तुम ऐसा करो सीट छोड़ दो। मोदी जी सबसे बढ़िया काम ही हो, तो तुम बहुत बढ़िया काम करो, एक और काम कर दो, तुम पैदा छोड़ दो, बस ये सबसे बढ़िया काम है। किसी हम जैसे नए लौंडे को बनाओ प्रधानमंत्री। जब देखो हम बताते हैं देश कैसे चलता है। सीमा भावी हुआ, ये कुतुब मीनार बनाई दे रहे, लंबी इतनी कर दी बहुत ज्यादा दुनिया भर की। भैया मेरे पता सीमा भावी में ऐसी क्या चीज फालतू हुई। जब पता लगी उसका जो पति SC है वो पंगा छोड़ दिया, SC के घर में चली गई, छोड़ो परे को, ये हिंदू ना। अब की बार 50 को पार करेंगे हम, 50 सीट हम MP क्लियर करके लेके आएंगे 101%। हमारी बहन जी जो योजना बना रही है, सर्वे तो एक एक सीट भी नहीं आएगी। ये सर्वे हमारे खिलाफ बोलते हैं, जो भी है BSP को बदनाम करने का काम किया गया हमेशा से, क्योंकि उन्हें पता है कि BSP पूरे समाज बहुजन समाज की एक पार्टी है, पूरे समाज को लेकर चलती है, देशभक्त पार्टी है और मानवता में विश्वास रखती है, न्यायप्रिय पार्टी है, मानवता में विश्वास रखती है, लोगों को पढ़ाने का काम करती है, एजुकेशन देने का काम करती है, रोजगार देने का काम करती है। मतलब इतने अच्छे काम जो बहन जी ने 50 साल के काम जो 5 साल में करके दिखाए, इनकी आंख फूट गई, फटाक दी। ये सब घबरा गए, कह रहे ये तो 10 साल और बहन जी रह गई, यदि काश ये प्रधानमंत्री बन जाए बहन जी तो पूरे देश को सुधार दिया जाएगा 100%। सबको सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक आदिवासी राष्ट्रपति है, उनसे तो कुछ नहीं हुआ, उससे पहले दलित राष्ट्रपति नहीं कर पाए। राष्ट्रपति के हाथ में कोई पावर नहीं होती, सारी प्रधानमंत्री के हाथ में पावर होती है। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ, देखो बहन जी क्या दिखाती है पूरे देश में, BJP के एजेंट है बहन जी। ये सब झूठे आरोप है BJP, मतलब ये सब बदनाम करने इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि लोग वोट न दें। लेकिन समझ गए लोग, हमारे कार्यकर्ता खासकर हम जैसे वोटर, हम वोटरों को कार्यकर्ता मतलब वो नहीं है, हम कोई पदाधिकारी हैं, लेकिन सब लगे हुए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सारे और सर्वे ये हुआ है अभी तक जो सर्वे आ रहा है हमारी पार्टी का कि 50 सीटों को हम पार कर रहे हैं 2024 में। कौन सी एजेंसी ने सर्वे किया है? क्योंकि 80 सीट तो हमारी यूपी में ही है, वहीं से कोशिश है कि वहीं से निकाल देंगे हम 50 सीट। सारे दलित तो उसे दे रहे हैं आजाद समाज पार्टी। अरे आजाद समाज पार्टी की बात छोड़ दो, मैं उसकी बात नहीं करना चाह रहा, मैं केवल BSP की बात कर रहा हूँ। वो तो बेचारी अभी नई नई 2 दिन की पार्टी है, उसमें कहाँ जा रहे हैं। मैं फिर वहीं पे आ रहा हूँ कि ये फिर हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लगे हूँ। आप हिंदू मुस्लिम पे ना जाएं, ना सोचें बिल्कुल भी, इन्हीं के लोग आएंगे तो हमें भड़काएंगे और यही तो हमें मरवा देंगे, तो हमें बर्बाद करा देंगे। इनका कुछ नहीं जाता, केवल सत्ता पर रोटी सेकनी बाकी है, इन्हें कुछ नहीं। यानी कि बूढ़ा हो या जवान, कसाई है तो हत्या से काम, इन्हें तो केवल काटने से मतलब, और कुछ ना कोई मतलब नहीं चाहते। दुनिया में वैसे डंका बज रहा है, डंका सब झूठा बज रहा है। हमें तो आज तक डंका की आवाज आई नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ भी 1 लाख वकील दिल्ली में, किसी वकील को आज तक नहीं आई है यहाँ। ठीक है, लोकतंत्र मजबूत हुआ जब से BJP आई है। मैं यही तो कह रहा हूँ, जितने भी बहुजन है उनके कान में डंका क्यों नहीं बज रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सारे बहुजन जितने भी हैं, सारे ST, सारे OSC और जितने भी हैं, इन्हें कैसा नहीं पता चल रहा, डंका नहीं बज रहा। जो डंका बजा रहा है समझो उसने मलाई मार ली है डेफिनेटली, माना BJP से मोटा ले लिया है। जैसे कि मैं सो कॉल्ड ना बता रहा हूँ, जो गोदी मीडिया है वो रात दिन यही चला रहा है कि बहुत अच्छे लेवल पर। यदि इनका डंका बजता तो अब तक 10 लाख लौंडे यानी कि 10 लाख लड़के अपने यहाँ की नागरिकता छोड़ गए, विदेश की नागरिकता ले लिया 10 लाख होने। अरे सीमा से क्या फर्क पड़ रहा है ना, बताइए सीमा से क्या? पाकिस्तान से आए हैं, सीमा तो विषय ही नहीं है चर्चा का, फिल्म भी मिल गई है, चर्चा का विषय नहीं है सीमा। चर्चा का विषय है कि ये दंगे प्रायोजित क्यों किए जा रहे हैं। जब BJP की सरकार आती है तभी दंगे क्यों होते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव से चंद दिनों पहले दंगे क्यों शुरू हो जाते हैं, विषय ये है सोचने का। और दंगे में आप बताइए कि ये भगवाधारी क्यों आते हैं और समाज के दंगे में क्यों नहीं आते, जैसे SC हैं, ST हैं, सरदार हैं, ये क्यों नहीं आते बताइए आप, यही क्यों आते हैं? और मुसलमानों को क्यों टारगेट बनाया जाता है? क्योंकि ये झूठी शान बटोरना चाहते हैं, ये झूठे देशभक्त बनना चाह रहे हैं, झूठे हिंदुओं के हितैषी। अच्छा, जो दंगे में जा रहे हैं उनको ये नौकरी क्यों नहीं दे रहे भाई? मैंने तो नहीं सुनी, जो दंगे में जाएगा पेट्रोल वहाँ 10 रुपए लीटर मिलेगा, कहाँ सुन का है यहाँ। और जो टमाटर 200 रुपए किलो, 2 रुपए किलो आपको टमाटर मिलेगा, और जो MBBS में जो फीस जा रही है ना करोड़ों की, वो 0 बैलेंस पे होगी दंगे में जो जाएगा, मैंने तो ये सुनी। जब आप बौद्ध धर्म को मजबूत करना चाहते हैं तो वो लोग अगर सनातन को मजबूत कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है इसमें? हमें तो कोई दिक्कत ना, पर मरवा क्यों लोग ना, अरे क्यों मरवा रहा है लोग ना, क्यों अशांति फैला रहा है देश के अंदर? हाँ अशांति फैला रहे हैं, वो तो अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं। और तो भैया शोभा यात्रा लोग पत्थर मार देते, शोभा यात्रा ऐसी जगह निकालना जहाँ सही शांति से निकल सके। बताइए सरकार का काम है क्या मंदिर में पूजा करना, शोभा निकलवाना, कावड़ वाले इन पे फूल बरसाना? ये सरकार के काम है? संविधान कहता है क्या? ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, क्या संविधान ये कहता है कि तुम किसी एक धर्म को बढ़ावा दोगे किसी? ये भैया धर्म निरपेक्ष देश है, आप एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हो, आप बताइए ये कहाँ की बात है? यदि आप संविधान को पढ़ोगे, मोदी जी तो हर जगह जा रहे हैं ना, देखिए मस्जिद में भी जा रहे हैं, मंदिर से भी जा रहे हैं, क्या जाने की जरूरत है? कोई जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाने की जरूरत, जहाँ है वहाँ तो जाते नहीं है, कहाँ जाए समझ, जो जहाँ जाने की जरूरत है वहाँ नहीं जाते। ये
ये जो काम करने चाहिए वो तो करने नहीं चाहिए, वो तो कर नहीं रहे, खामो खाकी मणिपुर जाना चाहिए, जहाँ पर लोग मर रहे हैं। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे बताइए? गृह मंत्री जा रहे हैं अमित शाह। अरे मैं प्रधानमंत्री पर, तुम गृह मंत्री पे आ रहे हो, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। अरे वो ये प्रधानमंत्री के नाम पे वोट ले रहे हैं ना, चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, चुनाव की ना, वो विदेश में, विदेश में कौन से चुनाव हो रहे हैं भाई, वहाँ कौन से एमपी बनेंगे हमारे भारत के, विदेश में तो वो बाहर है अभी थोड़े, ये जानबूझ के बाहर भगाया जा रहा है, जहाँ जाने की जरूरत थी वहाँ नहीं जा रहे, वहाँ दो महीने से नेट बंद कर दिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं शर्मिंदा हूँ सजा को लेकर, तो शर्मिंदा को थोड़ी बनाया नहीं जाएगा। अरे भैया प्रधानमंत्री शर्मिंदा होने के लिए नहीं बनाया, तो तुम ऐसा करो सीट छोड़ दो, मोदी जी सबसे बढ़िया काम ये हो, तो तुम बहुत बढ़िया काम करो, एक और काम कर दो, तुम पैदा छोड़ दो बस, ये सबसे बढ़िया काम है, किसी हम जैसे नए लौंडे को बनाओ प्रधानमंत्री। जब देखो हम बताते हैं देश कैसे चलता है, समझ, छह महीना में देश की काया ना पलट कर दे, मैं हम जैसा आदमी, यदि कोई अंबेडकरवादी या बहुजन समाज पार्टी का कोई आदमी बना दिया प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो कर तो रहे मेहनत, और कितनी मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों मैं यही कहूंगा फिर भी, आप इनके चक्कर में ना आए, ये दंगे फैला रहे हैं, सब पब्लिक को मरवाने का। सीमा भाभी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, आगे ठीक है, प्यार का मामला, दिल का मामला है दिल भर, इसमें क्या कहना होता है। अंजू भी चले गई है, अंजू जाने दो, तो वो तो प्यार का मामला, उसमें क्या है आप बताइए, इसमें क्या बोलने को, कुछ कोई खास विषय नहीं है सीमा पर बोलने का, कहना कि एजेंट है ये, सब झूठ है, सब झूठ है। जिस समय मणिपुर की कहानी बतानी चाहिए थी, उस समय ये मीडिया उस समय सीमा भाभी को लिए डोल रहा, सीमा भाभी के चार बच्चे हैं, सीमा भाभी भांसू आ गई, सीमा भाभी ने आई लव यू बोला आज, आज सीमा भाभी ने इंग्लिश में बोला, आज सीमा भाभी के पास इतने पासपोर्ट मिले, सीमा भाभी वही कुतुब मीनार बनाए दे रहे, लंबी इतनी कर दी, वही बहुत ज्यादा दुनिया भर की, भैया मेरे पता नहीं सीमा भाभी में ऐसी क्या चीज फालतू हुई जो वो बनाने की चक्कर में, सीमा भाभी एक लड़की भांसू आ गई, ठीक है शादी कर ली, यहाँ की नागरिक तमन की कहानी खत्म, क्यों बेकार काम को, हिंदू मुस्लिम उसमें तो कुछ हिंदू मुस्लिम हुआ ना, जब पता लगी उसका जो पति एससी है वो पंगा छोड़ दिया, एससी के घर में चली गई, छोड़ो परे को, ये हिंदू ना, वही मीना, मीना मीना है वो, तो मीना एससी एसटी होता है, तो वो एसटी है तो उसे छोड़ दिया, सीमा तो करे ठकुराइन का, अब रहने दो ठकुराइन वगैरह, तुम मेन बात यही आओ फिर कि देश में जो दंगे, पड़ोसी है सीमा भाई, अरे गाँव के है ना, मेरी बात छोड़ो फिर, सीमा पर मत लेगा, सीमा को मैंने क्लोज कर दिया है उसका टॉपिक, उसका कोई लेना देना नहीं, ग्रेटर नोएडा के बहुत बढ़िया है, तो मिलने लगे आपने हमें, अरे मैं कह रहा हूँ कोई भी वकील ना जा रहा यार मिलने के लिए, क्यों जाएगा कोई वकील, सीमा सीमा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो उसमें बात करने की चीज है, वो उसकी पत्नी है, छुट्टी कहानी खत्म होगी, से भाभी आई, और अब पाकिस्तान से आ गई तो कौन सी बात है, यहाँ से भी तो जा रही है, यहाँ से तो सानिया मिर्जा भी तो गई भाभी बनकर उनकी, सानिया मिर्जा इंडियन ही ना खिलाड़ी, वो भी तो शोएब अख्तर के साथ गई थी, पर खेलना तो भारत के लिए है, देखिए उससे क्या फर्क पड़ रहा बताइए, जो बात थी उस समय मणिपुर पे बात होनी चाहिए थी, उस समय जो खिलाड़ी जो बैठी थी पहलवान हमारी देश की, जिनके साथ में शोषण हुआ था, उस पर बात करनी चाहिए थी, जो बीजेपी के जो शोषण कर रहे थे नेता उनका, तब नहीं कर रहे थे कोई भी, मतलब कोई बात नहीं कर रहा था, जब मारबा लठ बजा रहे थे यहाँ पर, नौकरी लेने जाओ तो लठ मारे, कानून की बात करो तो को लठ मारे, न्याय मांगो तो लठ मारे, महंगाई पे बात करो तो लठ मारे, मतलब सब कुछ करो, बस केवल हाँ धर्म की बात करो, पूजा पाठ की बात करो, और कावड़ यात्रा की बात करो, जय दुर्गा की बात करो, जय श्री राम की बात करो, तो फूल बरसाएंगे तुम पे। आपके प्रिय गुरु जी जो है चमत्कारी बाबा बागेश्वर धाम, वो आजकल लंदन गए, अरे वो बागेश्वर धाम वो लौंडा पागल हो चुका है, उसकी बात मत करो, वो कल परसों को लौंडा कुछ नहीं ला सकते, यदि बाबू सब पता था तो पहले बता देता कि यहाँ ये होने वाला था, यहाँ मणिपुर में दंगे होने वाले, तो पहले बता सकते थे, बताइए आप, ये तो बता तो सकते थे आप, बताइए फिर तो ये भी बता देंगे कि चंद्रयान पर कौन सा यान वो छोड़ा जाएगा, ये सब कुछ बता देगा, तो भाई ये जितनी भी हैं ये सब अंधकार में झोंकने वाली बातें हैं, पोप लीला चला रहे हैं, कुछ नहीं होगा इनसे, ये हमें शिक्षा नहीं देंगे साथियों, शिक्षा पर ध्यान दो, और ध्यान दो बीजेपी को वोट कैसे ना जाए, ये बोलो कि बीजेपी को वोट नहीं देनी।